अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फालूदा। फालूदे के इंग्रेडिएंट्स ये रहे। ये रही सेवी, जो नॉर्मल सी सेवी होती है, हमने घर में जो होती है रखी हुई वो सेवी ली है, लेकिन फालूदे की सेवी बिल्कुल अलग तरीके से भी बनाई जा सकती है। अगर घर में ये सेवी ना हो तो हम अलग सेवी तैयार कर ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार होती है वो सेवी। मैं ये सेवी ले रही हूँ, हर घर में मौजूद होती है ये सेवी, इसीलिए मैं ये ले रही हूँ। ये रहे सब्जे के बीज और ये थोड़े से जेलीस जो शो के लिए होते हैं, अच्छे से लगते हैं जब हम डालते हैं, बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं, इसीलिए मैंने ये थोड़े से जेलीस बना लिए है। ये रहा थोड़ा सा कस्टर्ड मिल्क, ये रहा मिल्क। अब हम बना ये सेवी को दूध में पका लेंगे, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए हम सेवी को दूध में पका लेंगे। हम सेवी को पका रहे हैं 5 मिनट्स के लिए। हम इसमें दूध डाल लेंगे, हम इसमें कस्टर्ड का दूध डाल लेंगे जो हमने कस्टर्ड तैयार किया। 1 टेबल स्पून शुगर हमने डाल ली। ये बन चुका है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। हम सबसे पहले जो हमारे सेमी बनाए हैं वो डाल लेंगे इसमें। अब हम सब्जी के बीज डालेंगे इसके अंदर। हम आइसक्रीम डालेंगे इसमें। हम मैंगो पल्प डाल लेंगे इस पर। हम दूध डाल लेंगे, ये बहुत ही ठंडा किया हुआ दूध है। हम जेलीज डाल लेंगे। एक हम बिना आइसक्रीम के बिल्कुल सादा वाला फालूदा बनाएंगे। इसमें हम डाल लेंगे सब्जी के बीज, इसमें हम सेवी डाल लेंगे हमारी जो हम बना के रखे। हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा, हमने इस पे आइसक्रीम डाल लिया है, नहीं भी डाला जाए तो चल सकता है, ऑप्शनल है। मैं था तो मैं आइसक्रीम इस पर डाल दी हूँ, सिर्फ दूध और सब्जी के बीज। रूह अफ़ज़ा से बहुत ही शानदार फालूदा बनता है। फालूदा बनके रेडी है। एक हमने कस्टर्ड के मिल्क से बनाया है, एक हमने बनाया है सिर्फ दूध से। इसे आप भी ट्राई करिए, ये इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।